अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा है और आज मैं लाइटरूम के फ्री टी शर्ट्स गिव अवे कर रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा भी कि वो कैसे होते हैं, मतलब कि अगर आप कौन सी पिक्चर में कौन सा प्रीसेट इस्तेमाल होता है और उसके क्या इफेक्ट्स हैं। तो प्रीसेट्स डाउनलोड कर लें, वो लिंक है गूगल ड्राइव की, लिंक होगी, लेकिन डाउनलोड करने से पहले देख भी लें कि आपके मतलब का प्रीसेट है या नहीं, कि ये इफेक्ट क्या देता है, तो उसके बाद फिर डाउनलोड कीजिएगा। मेरे पास कुछ तस्वीरें खुली हुई हैं लाइटरूम में और इसमें ये जो तस्वीर है इस पर प्रीसेट इस्तेमाल हुआ है। प्रीसेट कौन सा है? ये जो यहाँ पे सनराइज 101 लिखा हुआ है ना, ये प्रीसेट इस्तेमाल हुआ है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि पहले कैसे था और जब मैंने प्रीसेट इस्तेमाल किया तब कैसे हो गया। तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। अगर बहुत माइनर चेंज है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ऐसे देख लें। ऊपर वाली तस्वीर जो है हल्की सी डल है और नीचे वाली जो है ये इसके कलर जो है ब्राइट है। तो ये सनराइज 101 जो प्रीसेट है ये हल्का सा आपको इफेक्ट देती है उसका कि आपके जो कलर्स हैं वो ब्राइट हो जाएं। और एक ये है, अब इसमें जो प्रीसेट इस्तेमाल हुआ है वो शायद मैं ये हाईलाइट कर देता लाइटरूम जो है सनराइज 101, इसमें ये इस्तेमाल हुआ। अगर मैं बैक करूँ तो ये ऐसे था, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। तो ये बिफोर, ये देखें, ये इसके जो कलर्स हैं ये डल हैं, इसके जो हैं ये ब्राइट हो गए हैं और ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। तो ये इस प्रीसेट का मकसद है। और अब अगर ये देख लें, अब इस तस्वीर पे जो सनराइज 101 मैंने आपको करके दिखा दिया कि सनराइज 101 के क्या इफेक्ट्स है, अब सनराइज 202 पे आ जाए। तो ये बिफोर था जब मैंने प्रीसेट इस्तेमाल नहीं किया था, जब प्रीसेट इस्तेमाल किया तो ये आफ्टर हो गया। अब बिफोर में उसकी हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं और पीछे तो बादल हैं, नज़र नहीं आ रहे और फुल वाइट वाइट है। जब मैंने इस्तेमाल किया तो बादल जो पीछे हल्के से काले काले बादल हैं वो नज़र आ रहे हैं और इनकी जो स्किन टोन है वो भी ज़रा सी डार्क हो गई है और जो कलर्स हैं वो ज़रा क्लियर हो गए। पहले जो थे वो डल डल सारे क्लियर थे, अब डल डल थे कलर्स, अब ब्राइट हो गए। अब अगर फर्दर बिफोर एंड आफ्टर देखना है तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। तो खुद ही आप कंपैरिजन कर लें, देखें कि फ़र्क तो पड़ा है। अब सनराइज ब्लैक पे आ जाते हैं, अब सनराइज ब्लैक 202 पे आ जाते हैं। ये अभी प्रीसेट इस्तेमाल हुआ है तो ये इस तरह की तस्वीर आ रही है। अब अगर मैं, ये बिफोर थी, ये तस्वीर ऐसे मैंने खींची थी, मैंने पर्पसली खींची थी कि पीछे जो आसमान है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है और जो ये राफे और अब्दुली जो खड़े हुए हैं, जो दो लड़के हैं ये खड़े हुए हैं, इनकी ब्राइटनेस कम है और ये क्लियर नज़र नहीं आ रही। मैंने पर्पसली खींची थी कि मैं बाद में जो पीछे जो आसमान है उसकी मैं हाइलाइट्स कम कर दूंगा और ये दोनों खुद ही ब्लैक हो जाएंगे। तो ये मैंने पर्पसली खींची थी। आप हर तस्वीर के साथ ऐसे नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा प्री माइंडसेट, आपको थोड़ा सा माइंडसेट बनाना होगा एक तस्वीर खींचने के लिए और फिर उस पर इफ़ेक्ट डालने के लिए। तो ये मैंने बाकायदा सोचा था और फिर मैंने उनको ऐसे कहा कि इस तरह खड़े हो जाओ, पीछे आसमान हो, और फिर मैंने तस्वीर खींची। तो ये जब मैंने प्रीसेट इस्तेमाल किया तो ये एक काफ़ी, वो ये तो सनराइज है बेसिकली, ये सनसेट वाला लुक दे रहा है। वो अक्सर जो बीचेस पे वो जो व्यू जो होता है उस तरह की तस्वीरें, वो जो लड़का खड़ा होगा और फुल ब्लैक होगा, ये मैंने वो सोच के ये तस्वीर खींची थी और है ये सनराइज, सनसेट नहीं है। तो मैंने अपने प्रीसेट को भी नाम सनराइज ही दिया हुआ है। और तो अगर बिफोर एंड आफ्टर देखें तो ये इस तरह की तस्वीर थी और जब मैंने प्रीसेट इस्तेमाल किया तो इस तरह हो गई। और अगर ये देखें, इन दोनों को मैंने कहा था कि तालियां मारो, हंसो, खेलो, ताकि एक नेचुरल मोमेंट आए और वो फिर मैं कैप्चर करूं। और ये हंस नहीं रहे थे तो फिर मैंने एक लतीफ़ा भी सुना दिया था तो वो हंस गए थे, जैसे भी मुझे हंसी नहीं आ रही और आपको भी शायद नहीं आ रही हो। तो खैर, पॉइंट ये है कि आमने भाई पीछे ब्राइट चीज़ रखनी है, उसके आगे अपने सब्जेक्ट को रखना है। मतलब हाइलाइट्स पीछे आसमान की ज़्यादा हो, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, तो बाद में जब हम हाइलाइट्स कम करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस पर प्रीसेट इस्तेमाल करूँ, ये जो सनराइज़ ब्लैक 101, ये मैंने प्रीसेट इस्तेमाल किया हुआ है, जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा। बहुत ही डिसेंट तस्वीर अब लग रही है, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो पीछे जो सनराइज़ हो रहा है उसकी जो येलो रेज हैं वो गुजर रही हैं और कुछ बादल भी ब्लैक हैं, वो काफ़ी अच्छा एक सिली
यार उसको क्या कहते हैं, सिली सिलियट 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 लुक दे रहा है मेरे ख्याल में, सिलियट ही कहते हैं ये जो पीछे ये दरख्त हैं, ये क्या है यार, ये पहाड़ है, हाँ पहाड़ है मेरे ख्याल में, तो ये काफ़ी एक सिलियट लुक दे रहा है। और तो ये सनराइज ब्लैक 101 हो गया। अब इस तरह एक और इनकी है तस्वीर, तो इसमें ये दोनों एक इधर देख रहा और ये, तो इस पे जब प्रीसेट इस्तेमाल करेंगे तो ये इस तरह आएगा, बहुत डिसेंट बहुत अच्छा लुक दे रहा है और बहुत ही नेचुरल लुक दे रहा है। और ये काफ़ी इस तरह की पिक्चर्स, इस तरह के इफेक्ट्स काफ़ी काफ़ी क्लिक करते हैं, काफ़ी डोप है। और ये अब ये उसने ये एक फजूल का डैब किया, तो इसका बिफोर एंड आफ्टर देखो, ये प्रीसेट से पहले था जब मैंने प्रीसेट अप्लाई किया तो ये इस तरह हो गया। और ये जो इसके हाथ के नीचे जो सन निकल रहा है ना, ये मैंने जानबूझ के अपना एंगल कैमरे का इस तरह किया था कि जब मैं पोस्ट प्रोडक्शन में इस पे फिल्टर्स या इस पे जो भी प्रीसेट अप्लाई करूँगा तो ये जो इस तरह अभी रेज दे रहा है ये बहुत अच्छी लगेंगी, तो ये मैंने सोचा था। तो आप ये नहीं है कि बस तस्वीर खींच के आप बस लाइट रूम या फोटोशॉप में जाके एडिट करते रहो, उस तरह नहीं होगा। आपको थोड़ा सा तस्वीर खींचने से पहले भी वर्किंग करनी है कि भाई मुझे किस तरह की तस्वीर चाहिए, उसके लिए मुझे क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या मुझे कॉशंस लेने हैं, शायद कॉशंस ही आएगा आई गेस। और एक ये तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब इसका जो बिफोर, ये बिफोर ऐसे था कि मैंने उससे जानबूझ के कहा कि भाई कैमरे को ऐसे सेट करो कि जो लेक पे जो धूप की रिफ्लेक्शन आ रही है ये भी आए पिक्चर में, और ये मेरे मतलब बॉडी के एज पे हो, ये मैंने उससे कहा था। तो जब फिर मैंने इस पे वही किया कि हाइलाइट्स कम कर दी और फिल्टर अप्लाई किया तो ये इस तरह हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो जो ये तरबेला डैम का पानी है, इससे बिजली बनती है, और शायद आपके घर में भी बिजली आ रही हो। तो बात यह है कि कहाँ पता तरबेला डैम पे चला गया। हाँ मैंने उसे कहा था कि जब पानी पे रिफ्लेक्शन आ रही है इसको खींचो, तो जब मैंने फिल्टर अप्लाई किया तो पानी पे रिफ्लेक्शन काफ़ी डिसेंट आई है, जैसे सनसेट वाली पिक्चर्स में होता है जो बीच पे पानी, वो उसको मेरे ख्याल में होराइजन कहते हैं, पता नहीं जो भी कहते हैं, वो एक एक पॉइंट होता है दरिया समंदर में कि समंदर बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है और सूरज जब गरूब हो रहा होता है बिल्कुल ऐसे लगता है कि दोनों करीब करीब है, होते वो करीब नहीं है लेकिन वो लगता है ऐसे। तो ये तो उन उन तस्वीरों में इसी तरह होता है कि वो पानी पे सन की बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन आ रही होती है सनसेट की, तो हम तो सनराइज में गए थे भाई उल्टा। तो ये मैंने उसे कहा कि ऐसे खींचो, तो थोड़ी सी वर्किंग करनी है भाई। अब ये जो तस्वीर है ना, ये ब्लैक एंड वाइट प्रीसेट है, तो ये तस्वीर ऐसी थी, ये जो पीछे बैकड्रॉप, ये बैकलाइट जो लगी हुई है सिर्फ ये थी, ये फ्रंट लाइट नहीं थी, तब मैंने खींची थी। तो इसमें मैंने जानबूझ के ऐसे किया था कि मेरा बैकग्राउंड लिट हो और मैं ज़रा डार्क में आऊँ, और फिर मैंने क्या किया, ये मैंने रेड बैकग्राउंड, जो प्रीसेट का नाम वो भी है रेड बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट, जरूरी जरूरी नहीं है कि रेड हो, ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है यार, कुछ भी वो सब कुछ, कोई भी पीछे बैकग्राउंड हो उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। जब ये प्रीसेट अप्लाई करें तो ये इस तरह हो जाता है, तो काफ़ी डिसेंट है। और एक ये एक और है, एक तो रेड बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट हो गया और एक ब्लैक एंड व्हाइट डार्क है, तो डार्क मैंने नाम इसलिए लिखा है कि ये एक डार्क ज़्यादा ज़्यादा डार्क लुक दिखता देता है। तो ये ओरिजिनल ऐसे है, ठीक है ना, ओके ये ओरिजिनल थी, ठीक है। फिर जब मैंने प्रीसेट अप्लाई किया तो ये ऐसे हो गई, ओरिजिनल ऐसी थी, जब मैंने ये प्रीसेट डाला तो ये ऐसे हो गई, कैसा अच्छी है ना। चार प्रीसेट से, एक सनराइज 101, एक सनराइज 202 और एक रेड बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट और एक ब्लैक एंड वाइट डार्क। तो ये मैंने आपको बता भी दिया कि मैंने कहाँ किस किस फोटो के लिए ये मैंने बनाए थे। तो सनराइज 101 या सनराइज 202 के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप सुबह को या शाम को कैमरे को नीचे रख के आप खड़े हों और नीचे के एंगल से तस्वीर खींच लें, तो आपकी शक आप ज़्यादा लिट नहीं होंगे और जो पीछे आसमान है वो ज़्यादा लिट होगा, तो
तो वो उस तस्वीर को खींच के जब आप सनराइज वाला प्रीसेट इस्तेमाल करेंगे तो वैसा ही लुक देगा, जो आसमान में बादल हैं उनकी हाइलाइट्स को कम कर देगा या आसमान की हाइलाइट्स को कम कर देगा और आप उसमें ब्लैक नज़र आएंगे। तो वो काफ़ी अच्छा लुक है, और वो इस्तेमाल करें और रिव्यू दें यार कि कैसे क्या इस्तेमाल हुआ या कोई गलती है या जो भी एक्स वाई ज़ेड जो भी। तो